नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव, एडवोकेट है और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। एक हमारे पास सवाल आया कि सर, मेरी बीवी ना ही तो रह रही है और ना मुझे छोड़ रही है, ऐसे में मैं क्या करूँ? तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, मैं आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। और सबसे पहले, अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लीजिए और इस जानकारी को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पति हैं जो जिनके सामने ऐसी असमंजस जैसी कहानी आ रही है, या फिर पत्नियां भी हैं, क्योंकि कुछ पुरुष कहीं ना कहीं गलत हैं तो कहीं ना कहीं पत्नियां भी गलत हैं। तो अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आ गई है, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ना ही तो वो साथ रह रही है और ना ही छोड़ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? अगर आपने वो गलती करी तो हो सकता है आपको लेने के देने पड़ जाएं। तो आपको इस जानकारी को लिखने के पूरा इस वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर करना दूसरे लोगों तक भी, ताकि और भी लोग इस जानकारी को समझ सकें और इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी पत्नी है, वो पत्नी आपको साथ रहने को मना कर रही है, मुझे नहीं रहना है, तो एक प्रयास करिएगा, जी जान से प्रयास करिएगा कि भाई हमें आपके साथ संबंध रखना है, हमें आपके साथ रिश्ता रखना है। ये बात उसको बोल दीजिए स्पष्ट रूप से कि मुझे आपके साथ रिश्ता रखना है, आपको नहीं आना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर मैं आपको अपने पास लाने का हर प्रयास करूँगा। फिर आपको बुरा लगे अच्छा लगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको अपने पास लाने का हर प्रयास करूँगा। अब प्रयास की जैसे ही वो कहे, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आप, वो हो सकता है कुछ उल्टा जवाब दे दे या गलत जवाब दे दे आपको, लेकिन उसके बाद आपको प्रयास करने का तरीका क्या है? प्रयास करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप उसी के रिलेशन में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को बताओ कि वो मेरे साथ में रहना नहीं चाहती है। उसी की लड़की के जो रिश्तेदार हैं, उसके चाहे बहन हो, बहनोई हो, या फिर कोई मौसा हो, मौसी हो, कोई भी मतलब रिश्तेदार के हो, उन सब से उसके लिए फ़ोन करवाओ कि भाई तुम रहती क्यों नहीं हो। वो खुद कहेंगे, उनसे रहती क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ये है। अगर कोई भी जवाब आता है, कोई प्रॉब्लम आती है कि सर ये प्रॉब्लम है, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, या कुछ और भी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम में अगर कोई गलती बताती है, वो उसमें आप अपनी ओर से सुधार करें कि भाई मैं ये गलती नहीं करूँगा। गलती हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है रिश्ता खत्म कर देंगे। मान लीजिए मेरे से गलती हुई है तो गलती का सुधार है। अब आप उन सब चीज़ों से बोल सकते हैं मैं सुधार कर लूँगा या सुधारेंगे। फिर भी अगर वो किसी प्रकार से किसी और के चंगुल में है, या माता पिता के चंगुल में है, या कोई और उसका रिलेशन में आ गया है, कोई भी कोई कारण हो सकता है, तो फिर आप उस प्रयास को वहीं बंद करिएगा, घर परिवार वाले को, परिवार प्रयास को, और जो भी आपके पास एविडेंस है या वो है, उसी के परिवार में इतने भी लोग हैं, उन सबको बताएं कि सर ये सर चीज़ें हैं, गलती ये हैं। अब अगर आपके पास कोई ऐसा एडल्ट्री वगैरह है या फिर उसका ये सबूत नहीं है, तो ये आरोप उसके ऊपर थोपें ना, बिल्कुल भी ना लगाएं, आप ही समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप लगाएंगे तो समाज भी आपको कुतकारेगा, आप कोर्ट में, कानून कचहरी में जाएंगे, तब भी आपको परेशानी आएगी। तो ये चीज नहीं करनी है आपको, अगर आपके पास सबूत नहीं उसका गलत होने का तब। अब उसके बाद मान लीजिए इस प्रयास में आप विफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो फिर दूसरा प्रयास ये है कि आप उसको कानूनी रूप से एक एप्लीकेशन टाइप करवाएं। आप अपने, अगर दिल्ली में रहते हैं तो DCP वगैरह को आप कंप्लेंट फाइल करें कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूँ लेकिन वो रहना नहीं चाहती, उसको मेरे साथ में रहने के लिए आप ये एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन अगर UP में कहीं है तो SSP या SP को आप दें, और कहीं बाहर हैं तो आपके जो सीनियर मतलब अधिकारी हैं वहाँ पर, उनको दें आप। उसके बाद वो मार्क होकर चली जाएगी वुमेन सेल में या फिर मेडिएशन सेंटर में, वहाँ पर आप दोनों का मेडिएशन होगा, जो भी कारण होगा वहाँ पर लिखित में आपके पास आ जाएगा। अब भी मना कर रही है वो रहने के लिए, तो आपको एक एविडेंस बन जाएगा, उसकी आप कॉपी रखें। दूसरा, इसके बाद एक प्रयास खत्म हो गया, दूसरा आप बुलाने के लिए Section 9 का लीगल नोटिस भिजवाएं उसको कि हम आपको रखना चाहते हैं लेकिन आप इन किन कारणों के बस नहीं रहना चाहती हैं, या फिर आप 15 दिन के भीतर जो है इस नोटिस को रिसीव करने के बाद जो है 15 दिन के भीतर आप इसका जवाब दें कि आप रहना क्यों नहीं चाहती हैं। अब वो हो सकता है उसमें जवाब दे या ना दे, दोनों परिस्थितियों में आपके लिए जो नोटिस की कॉपी है वो आपको अपने पास संभाल कर रखनी है। अब ये इतना हो गया, उसके बाद एक एप्लीकेशन और देनी है आपको DM साहब को, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आपके हैं क्षेत्र के, उनको। उसके बाद उसकी कॉपी दें, उस लड़की को DM साहब बुलाएंगे, वहाँ पर बयान होंगे, बयान में वो खुद बताएगी अपने क्या है। तो बयान की कॉपी DCP, या आपने किसी SSP को कंप्लेंट करी उसकी कॉपी,
और कोर्ट में जो सेक्शन 9 का नोटिस करा उसकी कॉपी, ये सभी चीजें जो है अपने पास सबूत के तौर पर रखें। अब आपका जो असमंजस वाला जो सवाल था कि सर ना रह रही है और ना ही मेरे पास ना मुझे छोड़ रही है, तो अब आपके पास काफ़ी प्रयास करने का जो जो तरीका थे वो सब बंद हो गए हैं। अब आपको सिर्फ एक ही तरीका है, तलाक का। अब आपका असमंजस वाला जो सवाल था वो खत्म और सीधे तलाक का मुकदमा डालें। जो आपने अभी तक जो एविडेंस इकट्ठा किया है वो सब डालें। अभी भी तलाक का मुकदमा डालने का उद्देश्य भी आपका वही होना चाहिए कि मुझे रखना है। तलाक में अगर वो कह देती नहीं सर मुझसे गलती हो गई है मैं रहना चाहती हूँ, तो आप तलाक का केस वापस ले लें और मेडिएशन सेंटर वहीं से आप अपने दोनों एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करें। और अगर नहीं होता है फिर भी मान लीजिए वहाँ पे मना कर देती है, तो 100% आपका तलाक अलाउ होना है, तलाक पर मोहर लगनी है। तो ये एक प्रक्रिया थी जहाँ पर ये सवाल आया था आपके सामने, आपकी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मुझे मेरे पत्नी मेरे साथ ना रह रही है और ना ही मुझे छोड़ रही है, तो आपको या तो वो रहेगी या फिर छोड़ देगी, बीच में लटका के आपको नहीं रखेगी। तो ये आपको पूरी प्रक्रिया है। और भी इससे जुड़े हुए अगर सवाल कोई मन में मेरे से एक्सप्लेन करने से रह गया हो, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे लीगल एडवाइस भी आप हमसे ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा है तुरंत सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें दूसरे लोगों तक, ताकि और भी जो व्यक्ति हैं जिनके मन में ऐसा सवाल है असमंजस वाला कि सर ना रह रही है न छोड़ रही है, तो आपको ऐसे समय पर ये वीडियो बहुत काम आएगी और आपको परेशानी से बचाएगी। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपका आज का वीडियो देखना, आपसी बहुत धन्यवाद।